हेलो रेवाड़ी बड़ी मैं रविंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डी के में आप सभी का स्वागत है और यू डाइस प्लस में आ गया है एक नया अपडेट और यू डाइस प्लस में जोड़ दिया गया है एक नया मॉड्यूल क्या है वह नया मॉड्यूल इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और पी एफ एस पोर्टल और यूडाइस पोर्टल से संबंधित नए अपडेट के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए अब आपको नए अपडेट के बारे में बताते हैं और चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ गूगल को ढूंढ लेते हैं ये गूगल मिल गया है और यहाँ सर्च बार में हम टाइप कर लेंगे यू डाइस प्लस और ये आसानी से मुझको मिल जाता है ठीक है और यहाँ हम कर लेंगे क्लिक यहाँ क्लिक करने के बाद आएगा हमें स्टूडेंट मॉड्यूल ठीक है तो यह नया अपडेट जो है स्टूडेंट मॉड्यूल में आया है यहाँ हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट को स्टेट हमने उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है जो भी आपका स्टेट होगा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ गो पर क्लिक कर देंगे यहाँ साइड में ठीक है यहाँ गो पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो खुल कर आ जाएगी इसे आप टच कर देंगे या रंग चेंज कर देगी और यहाँ फिर आप क्लिक कर देंगे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ अपना स्कूल का यूजर आई में डाइश कोड डाल लेंगे, यहाँ पासवर्ड डाल लेंगे और ये जो कैफ्चा यहाँ लिखा हुआ है इसको आप यहाँ डाल देंगे और यहाँ लॉगिन कर देंगे ठीक है डाल लिया है यहाँ यूज़र आईडी में अपना डाइश कोड विद्यालय का यहाँ पासवर्ड और यहाँ हमने कैप्चा तो यहाँ क्लिक कर देंगे ऐसे यू डाइस कोड पे यू डाइस प्लस के जहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल है जहाँ हम स्टूडेंट डाटा फीड कर रहे हैं ठीक है यहाँ अब हम फोन कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट पर और कुछ इस प्रकार से यहाँ देखिए एक पेज खुलकर कर यहाँ आ जाता है यहाँ ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो नया अपडेट है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं सेक्शन मैनेजमेंट है अपलोड डाटा वाई एक्सल है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ देखिए नया मॉड्यूल जो हमारे इसमें जोड़ा गया है यूडाइस प्लस में रिपोर्टिंग मॉड्यूल एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है यूडाइस प्लस में अब इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल में है क्या इस पर क्लिक करके आपको अभी बताते हैं यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक पेज खुल कर यहाँ देखो आ जाएगा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट मॉड्यूल यानी कि नया मॉड्यूल जोड़ दिया गया है हमारे यूडाइस प्लस में यानी कि स्टूडेंट डाटा मॉड्यूल में ठीक है देखो यहाँ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यानी अगर किसी विद्यालय में किसी बच्चे को जोड़ा गया है और वह बच्चा किसी दूसरे विद्यालय में जोड़ा गया है तो उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा ठीक है यहाँ एक्शन पर देखें यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे ऐसे और कुछ इस प्रकार से एक पेज खुलकर हमारे सामने देखो आ जाएगा देखो यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स यानी अब सरकार के रडार में हमारे विद्यालय आ जाएंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे का एक स्टूडेंट कोड भी बनने जा रहा है जैसे हमारा यूनिक कोड होता है ऐसे हमारे प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड भी यूनिक नंबर होता है और उसको सरकार जो है जब ये पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट डाटा कंप्लीट हो जाएगा पूरे भारत में सभी राज्यों में तो उसको एक स्टूडेंट कोड भी अलाउट कर दिया जाएगा जैसे प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड होता है वो भी यूनिक होता है एक यूनिक स्टूडेंट कोड होगा ये भी यूनिक होगा तो बच्चे को किसी भी राज्य में समस्त भारत में किसी भी राज्य में एक बार ही यू डाइस प्लस में ऐड कर सकते हैं अगर उसको किसी भी राज्य में किसी विद्यालय में ऐड किया जाएगा तो यहाँ उसको पकड़ लिया जाएगा ठीक है अब आप देखिए डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो सेक्शन लेवल पे अगर डुप्लीकेटी होती है तो पकड़ा जाएगा क्लास लेवल पे डुप्लीकेसी होती है तो पकड़ा जाएगा ठीक है अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो सेक्शन लेवल खुलकर आ जाएगा ठीक है और यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लास लेवल खोल कर आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ सर्च कर देंगे ठीक है अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ फिलहाल कुछ नहीं पाएगा क्योंकि जब कुछ है ही नहीं है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड क्योंकि मेरे विद्यालय में कोई बच्चा डुप्लीकेट नहीं है ठीक है देख लीजिए सर्च करने पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा आपको तो इस प्रकार से हम जो है आराम से इसको देख सकते हैं ठीक है थीके? फिर देखें डुप्लीकेटि बाई सेक्शन लेवल डुप्लीकेट बाई क्लास लेवल अब आप यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट का नेम होगा अगर किसी भी राज्य में किसी विद्यालय में भले प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल हो और सारी अर सरकारी स्कूल हो अगर बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा यू डाइस कोर्स विद्यालय का यहाँ लिखा मिलेगा स्कूल नेम यहाँ लिखा मिलेगा क्लास यहाँ लिखी मिलेगी सेक्शन यहाँ लिखा मिलेगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी मिलेगी यानी अब विद्यालयों में भले ही वो सरकारी विद्यालय हो प्राइवेट विद्यालय हो और सरकारी विद्यालय हो बिल्कुल भी बच्चे को गलत ऐड नहीं किया जाएगा बच्चे को एक ही विद्यालय में ऐड किया जाएगा अब सरकार की नज़र में सभी विद्यालय रहेंगे एक ही बच्चा एक ही स्कूल एक ही स्टूडेंट कोड एक ही आधार एक ही डेट ऑफ बर्थ अब ये होने जा रहा है कोई भी माता पिता अब चालाकी नहीं कर पाएगा कोई भी प्रधानाध्यापक कोई भी है टीचर अब चालाकी नहीं कर पाएंगे उसका आधार नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ उसका स्टूडेंट कोड ही उसको पकड़वा देगा कि विद्यार्थी किस विद्यालय में ऐड है तो अब सरकार की रडार में रहेंगे विद्यालय ठीक है तो यह नया अपडेट था कि रिपोर्टिंग मॉड्यूल में डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड अब सरकार की नज़र में रहेगा तो अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा भले विद्यालय सरकारी हो गैर सरकारी हो और सरकारी हो तो ये थी आज की इस वीडियो में नए अपडेट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है धीरे धीरे और भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा भले ही वो अपडेट पीएफएमएस पोर्टल संबंधित हो भले ही वो अपडेट जो डाइस प्लस पोर्टल से संबंधित हो आज की वीडियो आपको अच्छे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए धन्यवाद जय हिंद